नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डी हजारे स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरडीएच सर। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी सीजन 12 जो है उसका आज 17 मई 2020 को कुल इस सीजन का 9वां प्रश्न जो है वो पूछा गया है। और प्रश्न है, द नेम ऑफ विच रिलीजन कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड शिष्य मीनिंग डिसिपल। हिंदी में अगर इस प्रश्न को अनुवाद है, किस धर्म के नाम की उत्पत्ति मूल रूप से एक संस्कृत शब्द शिष्य से हुई है जिसका अर्थ अनुयायी होता है। और विकल्प है ऑप्शन ए हिंदुइज्म मतलब हिंदू, ऑप्शन बी सिखिज्म मतलब सिख, ऑप्शन सी जैनिज्म मतलब जैन और ऑप्शन डी बुद्धिज्म मतलब बौद्ध। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको इस विकल्पों में ही अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा हर एक नाम का अर्थ अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर देकर सोचने लगेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, वो यह कि हिंदू नाम का सीखने से उतना कोई संबंध नहीं दिखता, जैन नाम का भी उतना नहीं दिखता, बुद्ध नाम का नहीं दिखता, पर देखो सिखिज्म, सिखिज्म या सिख, सीखना मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश में देखा जाए तो लर्न करना, सीखता कौन है दोस्तों, तो शिष्य सीखता है, सीखने वाले को लर्नर बोलते हैं मतलब शिष्य। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना सिर्फ हमारे लॉजिक की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि आप मतलब सीधे हमारे सिर्फ लॉजिक के भरोसे उत्तर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने ये लॉजिक लगाया करके ये लॉजिक पूरी तरीके से सही हो, पर इस प्रश्न के इन विकल्पों में दोस्तों ये जो लॉजिक है ये 100% सही है, क्योंकि मतलब वही है, सिखिज्म जो है इसका एक संस्कृत वर्ड शिष्य से ही आया है, और जिसका लर्नर अगर सिंपल वर्ड अगर बोले जाए तो लर्नर वर्ड उसका होता है हिंदी में मतलब उसको इंग्लिश में भी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सिखिज्म, मतलब ऑप्शन बी सिख या सिखिज्म। तो आपको जो हम आपके सामने लगा के भी देते हैं आंसर जो है उसको, हम सोनी लिव ऐप पर अभी देख रहे हैं, तो ये देखिए मैंने आपके सामने ही क्लिक किया हूँ और सबमिट भी कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि बता कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। तो देख सकते हैं आप, आपके सामने मैंने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो लॉक भी किया है सोनी लिव ऐप पर। तो दोस्तों आप भी सोनी लिव ऐप के जरिए जो है अपना उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो हम इस वीडियो, हमने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप SMS के जरिए आंसर देना चाहते हैं तो आप SMS के जरिए भी आंसर दे सकते हैं, सॉरी। तो दोस्तों अगर आप SMS के जरिए अगर आंसर देना चाहते हैं तो SMS के जरिए भी दे सकते हैं, हम एक बार SMS के जरिए भी यही आंसर सेंड करेंगे। हमने आंसर जो है करेक्ट आंसर वो कॉपी किया है, आपको जो है वो टाइप करना पड़ेगा जो आपको दिख रहा है, KBC स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आज का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी टाइप करना है, स्पेस देना है, आपको 1 मई 2020 को आपकी जितनी उम्र पूरी हुई है वो उम्र टाइप करनी है, स्पेस देना है, और उसके बाद आपका जेंडर पुरुष होंगे तो M, महिला होंगे तो F और अन्य होंगे तो O टाइप करना है। और उसके बाद में आपको ये जो प्रश्न है का उत्तर है ये आपको 509093 जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा इस स्क्रीन के, तो वहाँ उस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तो हम ये सेंड कर रहे हैं, अभी हमें SMS आएगा जैसा हमको वहाँ पे सोने लिए ऐप पर आया था वैसा ही। और अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो अभी दोस्तों 9 तारीख को जिन्हों जो प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था और उसका आंसर देने वालों में से जो रैंडमली जो भी जो सिलेक्टेड हुए होंगे जो भी सॉरी प्रतियोगी, तो ऐसे चुनिंदा प्रतियोगियों को जो कॉल है वो 16 तारीख को गई होंगी, क्योंकि 16 तारीख से 30 तारीख के बीच जो है KBC के यह जो कुल प्रश्न पूछे जाने वाले 14 प्रश्न, तो ये 14 प्रश्नों के ये जो कॉल्स है वो भी अगले 14 दिनों के भीतर किए जाने वाले हैं, और करके ही जो है 9 से देकर 7 दिन 16 तारीख को होते हैं, और करके ही जो आंसर जो हमको SMS आता है, SMS में भी साफ लिखा होता है कि अगले 7 दिनों में आपको कॉल किया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। और ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरे आंसर देना चाहिए, आपका हर दिन के जो आंसर मिलते हैं उनमें से
शॉर्टलिस्ट करके रैंडमाइजर के जरिए जो सॉफ्टवेयर है उनका, उसके जरिए वो रैंडमली किसी को भी उनका एक रेशियो भी बनाए राज्य के लिए और उम्र के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो उस अनुपात में जो है अपने प्रतिभागियों को सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर उन्हें वो कॉल करते हैं। आगे की जो मतलब जो पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, हम एक आधी वीडियो ज़रूर बनाएंगे उस पर भी, और हम जो है हमारे चैनल पर उस वो भी पोस्ट कर देंगे कि आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होने वाली है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो अपडेट्स है वो अपडेट्स आप तक लगातार पहुँचते रहना चाहिए और बिल्कुल तुरंत में वो आने चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों हमको सपोर्ट करने के लिए और ये वीडियो पूरी तरीके से देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।